Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Today we shall study about the chemical reactions of halogens. Okay? Previous video में आपने देखा था chemical reactions of halogens या alkyl halides. तो वे तीन तरह के reactions देते थे बच्चों. Nucleophilic substitution reaction आपने देखा था, elimination reaction देखा था, reaction with metals देखा था. बच्चों जो हैलोएरीन्स होते हैं ये भी तीन तरह के रिएक्शन देते हैं. कौन कौन से होते हैं तीन, ये देखिए. पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दूसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और तीसरा रिएक्शन तो हेलो एरिस ये तीन तरह के रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेटल. तो आइए आप हम बच्चों देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है. तो बच्चों जैसे मान लो कि जो है हमारा एक कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है. इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी होते हैं. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड स्पीसी होते हैं और ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं. ठीक है, इसका रिएक्शन जो होगा बच्चों हेलो एल्केन पैर तीन न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन जो है यहां से हट गया. ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ. ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन की जो अधिक होती है उसको दिखलाते हैं. सुनता है, बेंजीन की या वो हैलोहेलिन की जो डेंसिटी है क्या होता बेंजीन ठीक हो गया, इस पर एक्रोलिन लगा हुआ है. ठीक है, क्लोरीन के बैलेंस में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें से वन जो है बॉन्डेड हो गया और सिक्स बॉन्डेड सिक्स जो है नॉन बॉन्डेड हो गया. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा यहां पर उतर रहा है. जैसे उतरता है बच्चों तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाता है, यहां पर चला. ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है. ठीक है,
ठीक, इस रूही पर प्लस चार आया अब फिर होगा क्या, दूसरे स्टेज में ये वेक्टर यहां पर आया, ये इस कारण की जो है गैलेक्सी पार हो जाएगी, इस कारण से ये वेक्टर जो है यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब क्या स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, डबल मान यहां पर माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। अब फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर आ जाएगा, इस कारण की निकल जाएगी गैलेक्सी के पास, ये यहां पर चला जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमको मिलता है, यहां पर माइनस चार्ज, डबल बार, डबल बार, ये डबल बार, सीरियल, यहां पर प्लस चार्ज। ठीक है, फिर आगे क्या होता है बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे उतर आता है, इस कार्बन की वजह से यहां होता है। जो चार्ज आपको दिखाया गया था वो सारा चार्ज तो दिखाई पड़ रहा है बच्चों कि आपको और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, आपको और पैरा पोजिशन पर निगेटिव चार्ज मेनली जो है आता है। ठीक है, और कार्बन और क्लोरीन का जो बांड है, कार्बन क्लोरीन बांड जो है पार्शियल डबल बांड है, ओके, पार्शियल डबल बांड कैरेक्टर कैसे है, क्लोरीन के पास जो डोनर पेयर था वो चला रहा है, तो पार्शियल डबल बांड होने के कारण जो है यह रेजोनेंस में भाग ले लेता है, बांड इसका हेलो एरियल का बहुत ही नीचे गर्व होता है, मतलब ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन का बांड पार्शियल डबल बांड होता है, इस तरह से इस बांड को तोड़ना आसान नहीं होता, कठिन होता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रियल सब्स्टिट्यूशन ये सब होता है लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सब जो होता है हेलो एरियन का वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन का बांड पांचवी डबल बांड होता है। ठीक है, रिएजेंस का है, ओके, नोट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या बच्चों, हम रिएक्शन वास्तव में जो क्या होते हैं वो मैं दिखा देता हूं। हो गया, जाते हैं तो कंडीशन जो होता है उसमें हाफ कंडीशन में जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं एनएओएच, टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा देना पड़ता है 623 फेरेनहाइट, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है 300 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक, सेकेंड स्टेज में जो है भूटान उपलब्ध करवाया जाता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या बन जाता है, फिनाइल बन जाता है, क्लोरोबेंजीन किसके चल जाता है, फिनाइल, ये क्लोरीन जो इसके साथ निकल गया। ठीक है, एच
सीएल बन जाता है। मान लो सीएल आपको चपाया पोजिशन है नाइट्रोजन यहां पर नाइट्रोजन मान लीजिए लगा हुआ है ठीक है। अब इसका एक कंडीशन करना है सेम इसी से NaOH क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन की ड्राइंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन को खींचता है ठीक है। तो अब हमको ज्यादा हीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रेशर की हाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आसानी से होता है ये प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। यहां पर अंदर बीस को हम पैरा पोजिशन को दिखा रहे हैं ओके। यदि मान लेते हैं कि यह नाइट्रो ग्रुप जो है आपको पैरा फ्लोर पोजिशन पर है यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप है और पैरा पोजिशन पर भी नाइट्रो ग्रुप है और इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो हमको ज्यादा हीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है एलिसिटिकेट का टेम्परेचर देना पड़ता है ठीक है। आसानी से जो है अल्कोहल रेजोल्यूशन को मिल जाता है और एक मान लीजिए कि दोनों आपके पोजिशन पर लगा रहे हैं तो यहां पर भी यह नाइट्रो ग्रुप है यहां पर भी यह नाइट्रो ग्रुप है यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप है इसका रिएक्शन करवाया है थोड़ा सा भार करना पड़ता है ये प्रोडक्ट काफी आसानी से हमें मिल जाता है। ठीक है उसको आप नोट कर लीजिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहा होता है ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल आता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल जो होता है फिर धीरे धीरे से हटता है और नया न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे लग जाता है ठीक। तो हाई न्यूक्लियर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच का बांध होता है डबल बांध होता है ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन में ग्राइंड ग्रुप हम लगा रहे हैं आपको पैरा पोजिशन पर तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेता अपनी तरफ ठीक है। इस कारण से जो है आसानी से जो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का ओके नोट करें हो गया चलो जाते हैं। अब बच्चों है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
अच्छा एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो क्या करेगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा फिर वही है तो पिछले बार मैंने बताया था बच्चों ये बेंजीन रिंग है इस पर कोई हैलोजन लगा हुआ है जैसे यक्ष लोन पर जो काम कराएगा ये बांध टूटेगा यहां पर चलाएगा ठीक है यहां पर माइनस चार्ज हो गया यहां पर डबल बांध यहां पर डबल बांध और यहां पर भी डबल बांध प्लस चार्ज अब फिर ये नेगेटिव चार्ज है यहां पर चलाएगा ये बांध टूटेगा और यहां पर आ जाएगा ठीक यहां पर डबल बांध हो गया माइनस चार्ज हो गया डबल बांध यहां पर डबल बांध अब क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन यहां करेगा ये बांध यहां चलाएगा ठीक डबल बांध माइनस चार्ज यहां डबल बांध अब क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन यहां करेगा इस कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी तो यहां चलाएगा तो दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास जो है आपको और पहला पोजिशन है जिस जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है ठीक है ना तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा तो इसके लिए बच्चों में हमारे पास तीन तरह के रिएक्शन है ये का हैलोजनेशन इसमें हैलोजनेशन में क्या होगा बच्चों कि आपका क्लोरो बेंजीन हो गया इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस एलसीएफसी की प्रेजेंस में सॉल्वेंट होता है क्लियर सीएल थ्री के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगा ठीक है एयर सीएल थ्री क्या करेगा सीएल टू को जो है उसके बीच के बाद को तोड़ेगा और बाद किस तरह से टूटेगा उसका हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कराता है ठीक है तो निगेटिव वाला जो क्लोरीन होता है वो AlCl3 के साथ चला जाता है AlCl4 पॉजिटिव आयन बन जाता है और निगेटिव आयन बन जाता है और Cl प्लस जो है वह आकर के जो आपको पहला पोजिशन होते हैं वहां पर जुड़ जाता है इस तरह से यहाँ क्लोरीन है सीएल प्लस आएगा और आकर के आपके पोजिशन पर जुड़ जाएगा या पहला पोजिशन पर भी जुड़ जाता है ठीक है आपको पहला पोजिशन पर जब क्लोरीन जुड़ जाता है ये बच्चों जो होता है ये मीजर होता है की मात्रा ज्यादा होती है और उसकी मात्रा कम होती है इसका नाम करेंगे तो क्या रहेगा वन टू डाई क्लोरो बेंजीन इसका क्या होगा वन फोर डाई क्लोरो बेंजीन ओके ये मेजर और ये माइनर ओके इसको नोट करना है अब आपको मैं बताऊंगा नाइट्रेशन मिटाता है इसका एक न्यूक्लियर सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों
क्लास 11 में आप लोगों को सब पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया था ठीक है ना तो चलो हाइब्रिडाइजेशन हो गया अब आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन जाते हैं और रेडी लगाइए नाइट्रोजन डी है क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन बच्चों डी जो होगा कंसंट्रेटेड HNO3 रहेगा और कंसंट्रेटेड HNO4 रहेगा ओके HNO3 कंसंट्रेटेड हो चाहे मतलब कोई बात नहीं क्योंकि हीट करना पड़ता है ठीक है तो आपको क्वेश्चन का नाइट्रेट ग्रुप लग जाता है पहला क्वेश्चन पर भी नाइट्रेट ग्रुप लग जाता है ये माइनर होता है प्रोडक्ट और ये मेजर होता है ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट होता है इसका नाम क्या होगा इसका नेम होगा 1-chloro-2-nitro-benzene 1-chloro-2-nitro-benzene इसका क्या नाम होगा 1-chloro-4-nitro-benzene ओके ये रहा नाइट्रेशन ओके नोट करें हो गया चलो अब सल्फोनेशन 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 ओके क्लोरोबेंजीन है इसका रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ठीक है हीट कर देते हैं क्या बन जाता है 1-chloro-benzene सल्फोनिक एसिड ऐसे ही आपको कुछ पहला क्वेश्चन पर भी ऑक्सीजन लग जाता है ठीक है इसको क्या नाम देंगे ये जो बच्चों होता है मेजर होता है और ये जो होता है माइनर होता है टू क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसे क्या होगा टू क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आईसीएसी तो आपको पता ही होगा कैसे किया जाता है चौथा बच्चों क्रिगल क्रैप रिएक्शन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चौथा है सीरियल क्रॉस रिएक्शन बेटा है स्टॉप डी आपको पहला प्रश्न का नहीं दिया दिक्कत नहीं तो मिटा देता हूं इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पर अटैक करेगा आपको पोजीशन का पहला प्रश्न का डी हेडिंग जो है क्या है फ्रीडल क्रैक रिएक्शन फ्रीडल क्रैक रिएक्शन ये दो तरह का होता है बच्चों एक होगा इसमें फ्रीडल क्रैक होता है रिएक्शन फ्रीडल क्रैक ऑक्सीडेशन ठीक है कुछ अल्काइल ग्रुप जो है जुड़ता है क्लोरोबेंजीन ये रहा या पर क्लोरोबेंजीन रहा इसका रिएक्शन हम CH3CF से करवाएं क्लोरोबेंजीन से और फॉलोइंग बच्चों ले लेते हैं ये हाइड्रस सीएल से थ्री एन हाइड्रस एल सी एल थ्री ठीक है तो CH3 ग्रुप आकर के लग जाता है आपको पोजिशन का पहला पोजिशन का है दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं आपको जो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है और पहला प्रोडक्ट जो होता है मेजर होता है ये मेजर प्रोडक्ट हो गया बच्चों और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट इसका नाम क्या होगा टू क्लोरो टॉलुइन वन क्लोरो टू मिथाइल नहीं कर सकते वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन इसको क्या कहोगे वन क्लोरो फोर मिथाइल बेंजीन ठीक है अल्काइल ग्रुप रिएक्शन अल्काइल ग्रुप वाला भी पूरा ऐसे ही जो होता है फ्रीडम क्रैक ऐसा जैसा रिएक्शन फ्रीडम क्रैक ये सारे रिएक्शन रिएक्शन ये सारे रिएक्शन CO ग्रुप जुड़ जाएगा ये सारे ग्रुप उसमें आकर के जुड़ेगा क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं बच्चों ये हो गया क्लोरोबेंजीन इसका रिएक्शन कराएंगे CH3CO और एनायनस या CO3 अभी भी रहेगा वही आपका सॉल्ट मीडियम ठीक है आपको क्वेश्चन पर SI ग्रुप मिल जाएगा पहला क्वेश्चन पर SI ग्रुप ये मेजर होता है बच्चों और ये माइनर प्रोडक्ट होता है इसका क्या होगा इसका नेम हो जाता है बच्चों वन क्लोरो एसिटोफिनोन सॉरी टू क्लोरो एसिटोफिनोन दूसरे टू क्लोरो
is equal to phenomenon. इसको क्या कहेंगे? फोर्थ लॉ हो, ये सिद्धो फिनोन, ठीक है? ये प्रोडक्ट आपके फ्रीडम का रिलेशन पावर। उसके बाद आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। पास करके नोट कर लीजिए। चारों चार हैं, चल। तो तीसरा टाइप का रिएक्शन होता है जो रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल तो मेटल से रिएक्शन होता है बच्चों, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं इसमें। एक होता है ऊर्जा फीटिक रिएक्शन, एक होता है ऊर्जा फीटिक रिएक्शन, ठीक है? हेलो बंजी भाई, ये बच्चों इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, और यहां पर आर एक्स लगा देंगे, ठीक है? और यहां पर मीडियम के साथ ईथर होता है, ऑप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर ऑप्रोटिक सॉल्वेंट। तो होगा क्या, ये जो सोडियम है इसको हाइड्रोजन से ले लेना, यहां पर CH3 ग्रुप आर ग्रुप हो जाता है प्लस यहां यक्स। या यक्स क्या हो सकता है बच्चों? यक्स हो सकता है क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंडिंग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका फिर से देख लें। मान ली क्लोरोबेंजीन हमने लिया है सोडियम मेटल के साथ, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है? मीडियम दे देंगे तो टॉलुइन बन जाता है, क्या बन जाता है? टॉलुइन। ओके, हमारा टॉलुइन प्रोडक्ट बन जाता है, इसको नोट कर लें। इसके बाद उसको फीटिक रिएक्शन बताएंगे। यहां पर देखिए एरोमेटिक कंपाउंड था, उस पर जो है अल्काइल ग्रुप लगाया, ठीक है? इसके लिए कितना बन गया फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन में दो एरोमेटिक को अल्काइल एनायन होगा, सॉरी एरिन हेलोजन होगा, उसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, तो फिटिंग रिएक्शन आ जाएगा, बता रहे हैं? रिएक्शन, ठीक है? इसे बच्चों हम क्या करेंगे, हेलोजन को ले लेंगे, ये मान लीजिए क्लोरीन है, सोडियम मेटल रहेगा, यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है? ये बांड टूटेगा,
यानी सीएम बन जाएगा और बेंथोक सिंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजो फिनोल। प्लस टू यानी सीएल। ठीक है, इसको डाई फिनाइल कहते हैं, सॉरी डाई फिनाइल बनता है। ओके, डाई फिनाइल नॉट बेंजो फिनोल, इट इज डाई फिनाइल। तो बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी बुक में इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह दिया हुआ है, सब के सब जो है आप लोग नोट कर जाओ, अच्छी तरह से उसको तैयार कर लो। मोस्टली जो होता है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट हुए, डी ब्लॉक एलिमेंट हुए, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में भी एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली जो है एग्जाम्स में आते हैं, तो उसे जरूर आपको तैयार करिएगा। ओके, और इसके आगे जो बच्चों, जो सिलेबस में आप बुक में आपके दे रखा है पाली हेलो डेरिवेटिव, तो ये जो है बच्चों, आप लोगों के सिलेबस इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है, उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।